जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक प्राचीन चीनी पद्धति को लेकर। जिस प्रकार हम ग्रहों को मानते हैं, हम ज्योतिष को मानते हैं और हम वास्तु को मानते हैं, उसी प्रकार फेंग शुई प्राचीन चीनी पद्धति का एक बहुत ही पुराना, मैं कहूंगी कि फेंग शुई प्राचीन चीनी पद्धति का बहुत ही माना हुआ एक शास्त्र है। फेंग शुई के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं ये चीजें कि आपने कौन सी चीज किस जगह पर रखी है। हमारे वास्तु शास्त्र की तरह ही फेंग शुई को भारत में भी काफी मान्यता प्राप्त है। फेंग शुई में फर्नीचर को ऊर्जा के प्रभाव को नियंत्रित करने वाला एक कारक माना जाता है। ऊर्जा के प्रभाव को सही दिशा में बनाए रखने के लिए और रातों को अच्छी नींद पाने के लिए बेडरूम में कुछ खास चीजों का होना बेहद आवश्यक है। आइए जानते हैं बेडरूम में जुड़े कुछ खास आसान से फेंग शुई टिप्स, जो कहीं ना कहीं आपको एक सरल जीवन की प्राप्ति कराते हैं, एक चैन की नींद आपको कैसे मिले उसकी प्राप्ति कराते हैं। अगर आपका बड़ा किंग साइज बेड है, देखिए हर इंसान को, हर व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी और पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। बेडरूम हमारे जीवन को संतुलित बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो आप बाकी के काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास बड़ा बेडरूम है तो उसमें एक बड़ा किंग साइज का बेड ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बेडरूम तो बहुत बड़ा है और छोटा सा बेड ले रखा और आपका बेडरूम खाली खाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेडरूम यानी कि आपका शयन कक्ष, जहां पर आप चैन की नींद चाहते हैं। बड़े और आरामदायक बेड पर अच्छी नींद आती है और सोते वक्त किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है, तो ये बहुत जरूरी है। अब बेडरूम की कलर की बात करें तो अच्छी नींद के लिए कमरे में हमेशा शांत और आंखों को सुकून देने वाले रंग का होना बहुत ही जरूरी है। फेंग शुई के अनुसार बेडरूम में हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए जो मन में शांति प्रदान करे। बेडरूम के लिए लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, पेस्टल टोन, लाइट व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ऐसे कलर्स का यूज करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। अब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप सोते हैं, आई एम श्योर समर में जब भी आप लोग सोते होंगे बेडरूम का एसी चलता है तो डोर बंद कर कर ही सोते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोने के टाइम पे आपका जो बेडरूम का डोर है वो कभी भी पूरा खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपको डोर पूरा क्लोज नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हल्का सा डोर बंद कर कर ही सोना चाहिए। फेंग शुई के अनुसार अच्छी और आरामदायक नींद के लिए सोने से पहले कमरे के जो दरवाजे हैं या फिर आपके बेडरूम में वार्डरोब्स हैं या अलमारियां हैं, तो आप ये चेक कर कर सोइए कि जो भी वार्डरोब्स हैं, अलमिराज हैं, विंडोज हैं, दरवाजे हैं, बेसिकली अच्छी तरह से बंद करके ही सोने चाहिए। अक्सर ऐसा होता है बहुत थके हुए होते हैं और सीधा बेड पर जाकर सो जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते, लेकिन हमारे मन के साथ ही साथ अपनी, हमारी सभी इंद्रियों को आराम देने के लिए बहुत जरूरी है चैन की नींद। इसलिए सोने से पहले अगर आपके रूम में वार्डरोब है, अलमीरा, आपके बेडरूम का दरवाजा, आप हल्का सा बेडरूम के डोर को तो हमेशा हल्का सा बंद करके सोइए, लेकिन अपने वार्डरोब्स को, अपनी अलमीराज को कभी खोल कर मत सोइए। और अगर आपके बेडरूम में कोई ऐसा शेल्फ है जो ओपन है, तो या तो आप उसके आगे अच्छा सा कुछ कर्टन लगा सकते हैं या फिर आप कुछ भी कवर करने के लिए, आजकल तो बहुत सारे क्राफ्ट वाले आइडियाज हैं, तो कभी भी शेल्फ्स को भी ओपन कर कर मत सोइए। ऐसा करने से भी आप देखेंगे कि आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, बीच बीच में उठना, आपका माइंड कहीं ना कहीं रोटेट होता रहता है, आपको प्रॉपर अच्छी नींद नहीं आती है। तो ये छोटी सी जानकारी है बेडरूम को लेकर कि फेंग शुई के अकॉर्डिंग मेन इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें होती हैं बेडरूम को व्यस्त रखने के लिए। अब अगर हम फेंग शुई की बात कर रहे हैं तो अपने ग्रहों की बात कैसे ना करें।
बेडरूम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी भी चादर कटी फटी मत बिछाइए। इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा करने से हस्बैंड वाइफ के बीच के रिश्ते टूटने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नीचे कमेंट्स सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस जानकारी को दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर भी ज़रूर करिएगा। जय माता दी।